हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मन अभी कैसी सोच रखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ब्लू पेंसिल, कलर पेंसिल, एंड सेकेंड है ऑरेंज पेंसिल। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज़ की है ब्लू कलर पेंसिल, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके दुश्मन आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आप अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से देख रहे हो, हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है आपके दुश्मन कौन है। तो यहाँ आपके दुश्मनों को पता चल गया है कि आपको भी पता चल गया है कि दुश्मन कौन है, ये ज़रूर है। तो अभी उनकी सोच आपको लेकर यही है कि आप अच्छी तरीके से कौन से इंसान हो और हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हो, हम क्या कर रहे हैं और आपके जीवन में दखलंदाजी हो रही है या नहीं, ये भी आपको कहीं हद तक हमारे बारे में पता है। तो यहाँ दुश्मन आपको लेकर बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा बातें जान रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपको ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका भी ध्यान दुश्मनों के ऊपर ही है। तो यहाँ दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वो खास है क्योंकि यहाँ आपके दुश्मनों को लगता है कि आप उनके ऊपर भारी पड़ोगे और आपको लगता है कि कहीं वो ना भारी पड़ जाए। तो आप दोनों की सोच यहाँ कहीं ना कहीं यही है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, वो दोनों तरफ की सोच है, वो ज़रूर है। और क्या है, चले देखते हैं आपके दुश्मनों की सोच। अभी कैसी रखते हैं? आपके दुश्मन अभी कैसी सोच रखते हैं आपको लेकर? यूनिवर्स पाइल वन के लिए बताइए, उनके दुश्मन उनके लिए अभी कैसी सोच रखते हैं? ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैंने जानबूझकर ये कार्ड निकाले हैं। सेफ सिक्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, जिससे आपके दुश्मनों की सोच पता चले। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। हाई प्रेस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये सन की एनर्जी दोनों साइड है। ऑन्टमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सम आर बास्क इन जॉय एंड लाइट। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है, वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, आपके दुश्मन अभी कैसी सोच रखते हैं इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी सोच, विचारधारा हर तरीके से चारों ओर है,
यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि बदल रही है, नहीं, मून की तरह है। आप दोनों साइड से सोच रहे हो, आपके दुश्मनों के साइड से भी सोच रहे हो और आप अपने तरफ से भी सोच रहे हो, तो आपकी नज़र चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि अपनी ही चीज़ों को संभालना और दुश्मन क्या कर रहे हो वो आपको पता ही ना हो, ऐसा नहीं है। आप चारों ओर नज़र रख रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपकी आसपास की परिस्थिति के ऊपर एक कंट्रोल बनाया हुआ है, पक्का वाला, वो ज़रूर यहाँ नज़र आता है। इस वजह से आपकी नज़र ईगल की तरह है, आप चारों ओर ध्यान दे रहे हो, अपनी अपनी हर एक परिस्थितियों को भाप रहे हो कि वो ठीक भी है या नहीं, वो ज़रूर नज़र आता है। इस वजह से ये एयर गार्डियन का काढ़ा है, जिसके चलते आप अपने परसेप्शन को बहुत अच्छी तरीके से रख भी रहे हो और आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल रही है, अपनी चीज़ों को लेकर भी, अपनी सिचुएशन को लेकर भी, और दुश्मनों की जीवन में जो भी हलचल हो रही है उसको लेकर भी आपको कहीं तक सब कुछ पता है। आपके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, चालाक हो, साफ माइंडेड हो, इस वजह से आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। आप बहुत ही पेशेंस रखने वाले इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक इंसान हो। यहाँ आपके बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि आपने अपने जीवन में ये जो परिस्थितियों देखी है, अच्छी बुरी हर तरीके की परिस्थितियाँ आपने अपने जीवन में देखी है, इसकी वजह से आपका विल पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। इस वजह से आप किसी से नहीं डरते हो, कभी भी घबराते नहीं हो, और आप को पता चल जाए कि आपका दुश्मन कौन है, जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका दुश्मन कौन है, ये जिस किसी की भी फाइल है, जिसकी वजह से आप बहुत ही तेज तरीके से ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दुश्मन कौन है और वो क्या क्या कर सकते हैं आपके जीवन में, वो ज़रूर आपको पता है। तो यहाँ आप इमोशनल इंसान भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ कहाँ इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ प्रैक्टिकल रहना है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो यहाँ पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। अब ये जो मैंने आपके बारे में कहा है वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो फिर अब सुनिए आपके दुश्मन अभी कैसी सोच आपको लेकर रखते हैं। तो उनकी सोच यही है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको भी पता है कि यही मेरे दुश्मन है, इस वजह से आपके दुश्मन थोड़े घबरा गए हैं, इस वजह से मून की एनर्जी में आ गए हैं कि वो कोई भी चाल आपकी ओर खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे ही वार करने को लेकर सोच रहे हैं। यहाँ पीठ पीछे का मतलब यही होता है कि वो किसी और, आपके अपने प्रिय पर्सन को अपने तरीके से अपनी ओर कर सकते हैं, जिसके चलते वो आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ उनकी सोच ये भी है कि आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, बहुत ही होशियार हो, इस वजह से हमें फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, ये भी उनकी सोच है। वो ये भी मानते हैं कि आपको हर तरीके से पता है आप किस दिशा में जा रहे हो, इस वजह से कोई भी दिशा में या आपके जीवन में, आपके परिस्थितियों में जरा सा भी ऊंच नीच हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी ओर से हो रहा है। इस वजह से वो अपने ही चालों को अच्छे तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं आपके जीवन में, और जो मैंने कहा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर यही रह रही है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, आपको हराना इतना आसान नहीं है, आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो, आपको बढ़ चढ़कर अपनी चीज़ों को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है, मधुमक्खी की तरह, और डंक देना भी आता है, वो भी वो मानते हैं। यहाँ वाटर गार्डन लास्ट में आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा ही करते हो,
इस वजह से आपके अपने लोगों को जरा से भी चोट आई तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, ये उनको अच्छी तरीके से पता है आपके दुश्मनों को। और क्या है, चलिए देखते हैं। आइसोलेशन, वैनिटी, रिलीज, सोलमेट। वाकई में आप बहुत ही बढ़िया पर्सन हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। बैलेंस, डिस्कवरी, अनलाइटमेंट, वो आपके अंदर सच में है। इनसिक्योरिटी। एंड लास्ट कार्ड है सर्विस। बॉटम टू डेक हमारे पास कार्ड आया है गॉसिप, वो सच में है। तो यस, यहाँ आपके दुश्मनों की अभी जो आपको लेकर सोच, वो यही आपको लेकर सोच रखते हैं कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से देखने वाले पर्सन हो। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपके अंदर घमंड नहीं है, आप लोगों के प्रिय पर्सन हो। इस वजह से आपको कहीं से भी फंसाया नहीं जा सकता है। आप हमेशा अपने तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर लापरवाही पसंद नहीं करते हो, यानी बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण उसको निभाते हो। उनकी सोच अभी आपको लेकर ये भी वो रखते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव ओरे की ओर लोग आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहता है। इस वजह से भी आपका विश्वास तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ वो आपको लेकर ये सोच भी रखते हैं कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर या परिस्थिति को लेकर इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं करते हो। आप बहुत ही सिक्योर इंसान हो, अपनी चीज़ों को संभालना जानते हो। इस वजह से हमारी चाले आप नाकामयाब भी कर दोगे, ये उनको अच्छी तरीके से पता है। और गॉसिप करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हो और किसी के साथ ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप फंसते ही नहीं हो, ये भी उनको पता है, ये भी उनकी सोच है। तो डेफिनेटली यहाँ आप जो बैलेंस की परिस्थिति में हमेशा रहते हो, यानी अपनी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना आप जानते हो, इस सोच को लेकर भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके दुश्मन अभी यही सोच रखते हैं कि आपका नाम लेना, आपके जीवन में दखलअंदाजी करना, आपकी परिस्थितियों को ख़राब करना हमारे लिए अभी तो बहुत ज़्यादा ही कठिन और मुश्किल है। थोड़ी बहुत हम कोशिश आपके जीवन में दखलअंदाजी की करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका बारे में कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हैं, ये उनको डर ज़रूर है। तो यहाँ आपके दुश्मनों के अंदर डर आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके बारे में कुछ करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि आपको लेकर कुछ गलत करना भी चाहिए या नहीं, ये ज़रूर है उनके दिमाग में। तो उनके जीवन में डर आ रहा है, और आपके दुश्मन हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, कैपेबल मान रहे हैं, जिम्मेदार मान, एक जिम्मेदार पर्सन तरीके से देखते हैं, वो ज़रूर है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है ऑरेंज कलर पेंसिल, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन जो अभी सोच रखते हैं वो यही है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, लेकिन कहीं हद तक आप अपनी ही शक्ति को, अपनी पावर को सही तरीके से
इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इस वजह से हम आपका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। हम आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में दखलंदाजी करेंगे और हम जीत भी सकते हैं। तो यहाँ आपके दुश्मनों को आपकी एक पावरफुल पर्सनालिटी के बारे में बहुत कम पता है। आप पावरफुल ज़रूर हो, लेकिन उनको ज़्यादातर यही आपको लेकर लगता है, जो उनकी सोच है, कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान नहीं हो, हम आपको कुचल सकते हैं या हम आपको हरा सकते हैं, इस तरीके की सोच उनके मन में आती। अब आप किस तरीके के पर्सन हो वो मैं कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी। बाकी दुश्मनों की सोच आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे ही है, वो आपको ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मान रहे। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, यूनिवर्स उनके दुश्मन अभी कैसी सोच उनके लिए रखते हैं, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट, सन एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन गार्डियन ड्रॉप योर शील्ड, सेज बी डेवोटेड एंड कमिटेड, विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स, मून टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, ओके, ड्रम ड्रीम एंड जर्नी, गार्डियन एंजल यू आर नॉट अलोन, सोल इन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, शक्तिशाली तो हो आप, स्टार एंसेस्टर फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑन्टमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके, तो ये बात ज़रूर है। तो यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है। यहाँ आपके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ज़रूर कहूंगी कि आप थोड़े गर्म मिजाज के इंसान हो, कभी कभी तेज तरार बोलते भी हो, एनर्जेटिक हो, पावरफुल हो, एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आते हो, वो भी है, कॉन्फिडेंट हो, कुछ ज़्यादा ही एक प्रोटेक्टिव हो, सिक्योर लाइफ चाहते हो, इसके लिए हर तरीके से सोचते हो, आप बहुत सारी संभावनाओं के बारे में सोचते हो और अपने मिजाज को कहाँ कैसा रखना है वो जानते हो। इस वजह से मैंने आपके लिए कहा कि आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, डिटरमिनेशन अच्छा है, जिम्मेदार हो और आपको कहीं से भी कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, ये ज़रूर मैं आपके लिए कहूँगी। आप हर चीज़ में आगे हो और आपका जो बिलीव है वो कुछ ज़्यादा ही बरकरार और बहुत ही बेस्ट है, जिसकी वजह से आप कभी भी नहीं हारते हो, आप मास्टरमाइंड हो, इस तरीके से मैं ज़रूर कहूँगी। आपका बिलीव अपने आप के लिए गॉड के प्रति बहुत ही ऊंचा और खरा है, वो ज़रूर है। सन और मून की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में कैसे रखनी है वो अच्छी तरीके से जानते हो और फ्यूचर कैसा बनाना है वो कोई आपसे सीखे। यहाँ जो मैंने कहा, आप गर्म मिजाजी इंसान हो, जहाँ आपको गुस्सा दिखाना है वहाँ दिखाना ही है, इस तरीके की आपकी सोच है और वो ज़रूरी भी है। हर बार हम बहुत ही शांत या कूल नहीं हो सकते हैं और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो।
अब ये जो मैंने आपको से कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप सुनिए आपके दुश्मन अभी कैसे सोच आपको लेकर रखते हैं। इसके लिए आंसर यही है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं आपको लेकर, वो यही मानते हैं कि आप पावरफुल पर्सन नहीं हो, आपको हम कभी भी तोड़ सकते हैं। उनको आपकी शक्ति का किसी भी तरह कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हो। वो सिर्फ अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान लगाते हुए आपको लेकर सोचते हैं। वो ज़रूर है यहाँ कि आप थोड़ी गर्म मिजाज इंसान हो तो किसी की भी बात में तुरंत आ जाते होंगे, इस तरीके की उनकी सोच है। आप अपनी एनर्जी को कहीं हद तक गलत रास्ते के ऊपर भी ले जा सकते हो, ऐसी भी उनकी सोच है। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन रख रहे हो, इसका मतलब आप इनसिक्योर हो, इस तरीके की भी उनकी सोच बनी हुई है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है वो ये भी मानते हैं। उनको आपके बारे में जो भी सोच है वो कहीं हद तक गलत है। जो उनका अनुमान है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनको पता ही चलने वाला है कि वो अनुमान लगा रहे हैं आपको लेकर, जो उनकी सोच है वो पूरी तरीके से आगे चलकर उनको पता चलने वाली है कि बहुत ज़्यादा ही वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं, ऐसा उनको लगेगा। उनकी सोच आपको लेकर यही है कि आप बहुत ही कमज़ोर मानते हैं वो, इस वजह से वो आपको कहीं से भी स्ट्रांग नहीं देख रहे हैं। वो ज़रूर है, उनको लगता है कि आप कमज़ोर पड़ सकते हो, टूट सकते हो, आप अपने रास्ते में अटक भी सकते हो, रुक सकते हो, और आपको गिराया भी जा सकता है, आपकी परिस्थितियों को ख़राब किया भी जा सकता है, आपका विश्वास भी तोड़ा जा सकता है। मतलब उनकी सोच हर तरीके से आपको लेकर वो गलत फहमी में ही जी रहे हैं। और क्या है, चले देखते हैं। लास्ट कार्ड ओंटोमन है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो यहाँ उनकी सोच ये भी है कि आप पास्ट की चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व करते हो, इस वजह से प्रेजेंट में नहीं रहते हो, ये भी उनकी सोच है। डिस्कवरी, क्विस्ट, परफेक्शन, जो आप सच में हो, डिस्पोंडेशन, डेस्टिनी, नाइस, फेथ, आइसोलेशन, बैलेंस, क्रिएशन, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है परसेप्शन। तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीते हो, वो शायद आपके दुश्मनों को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, वो तो अपने ही भ्रम में, इल्यूजन में जी रहे हैं, ऐसा नज़र आता है इस कार्ड को देखकर। यहाँ आपके दुश्मन अभी ये भी सोच रखते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कुछ परिस्थितियों में कुछ सवालों के आंसर बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ऐसा भी उनको लगता है। आपका बिलीव कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक है, आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित करना कहीं हद तक नहीं आता है। यहाँ वो आपको लेकर जो भी सोच रख रहे हैं वो सारी गलत फहमियाँ ही है, क्योंकि कार्ड इतने स्ट्रांग आए हैं कि यहाँ आपकी सोच को ही दर्शा रहे हैं कि आप एक परफेक्ट इंसान हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप हर चीज़ में आप माहिर हो, आप अपने जीवन की बहुत ही खूबसूरत लम्हे को जीना जानते हो, और क्रिएटिविटी बढ़ चढ़कर आपके जीवन में है। लेकिन ये सारी बातें आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी पता नहीं है। अब एक बात ज़रूर आई है यहाँ परफेक्शन की, इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके दुश्मन कौन है,
आपके दुश्मनों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या माहिती नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर आइसोलेशन में रहना पसंद करने वाले इंसान हो, जिस वजह से वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हुए अपनी सोच को आपको लेकर सोच रहे हैं कि इस तरीके से आपको तोड़ा जा सकता है। अभी कमज़ोर इंसान हो, आपको ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर सकते हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपको हम कभी भी हरा सकते हैं, आसानी से हरा सकते हैं। और उन्होंने जो आपके ऊपर चाल खेली है, वो अपने विश्वास से उन्होंने खेली है, लेकिन उनको अभी तक आपकी ओर से जवाब मिला है, लेकिन वो जवाब उनको आधा अधूरा लगता है, क्योंकि आप एक कड़ा फैसला लेने से पहले हजार बार सोचते हो वो ज़रूर यहाँ है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर मानते हैं, लेकिन आप कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। जब आपको सच में लगेगा कि अब उनको सजा करने की ज़रूरत है, तो आप उनको सजा ज़रूर करोगे, वो यहाँ ज़रूर है। बाकी यहाँ आपके दुश्मन आपको लेकर जो सोच रखते हैं वो निम्न ही है, उनके विचारों की तरह निम्न ही है, उनके एक व्यक्तित्व की तरह निम्न ही है, वो ज़रूर यहाँ है। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।